मानसवन के आज विशेष मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आशुतोष वेरुलकर इनसे, जो जो है सेंट विंसेंट पलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियर में प्रोफेसर है, जिन्होंने हाल ही में एक इन्वेंट किया हुआ है और जो इन्वेंट किया हुआ जो प्रोडक्ट है उसके बारे में वो हमको आज जानकारी देने वाले हैं, जिसके लिए वो मानसवन में आए हुए हैं। आइए सीधा उनसे जानते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मानसवन के आज की इस विशेष मुलाकात में। जैसे कि आपने बताया कि आपने एक प्रोडक्ट का इन्वेंट किया हुआ है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, लेकिन उसके पहले आप अपने बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। थैंक यू मैडम। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष सुधीर राव वेरुलकर है। मैं सेंट विंसेंट पैलोटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस डिपार्टमेंट में। मैं यहाँ इस कार्य में ऑलमोस्ट 30 इयर्स का से काम कर रहा हूँ, और एजुकेशन और इंडस्ट्री डोमेन में भी मैंने 10 साल काम किया हुआ है। मेरा जो बेसिक शिक्षण है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, और मैंने एमटेक किया हुआ है एनर्जी मैनेजमेंट में, और मेरा डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी है जो कि सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम और एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मैंने पीएचडी किया हुआ है। और जहाँ तक ये रिसर्च का सवाल है, मैं बहुत अलग अलग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करता हूँ, मेरा ये इंटरेस्ट है। और उसमें सबसे बड़ा उसमें मेरा जो रोल है वो है कि एनर्जी कंजर्व करना और लोगों का पैसा बचना चाहिए। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिससे हम लोग खर्चा करते हैं, तो एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहता है जिसमें पेट्रोल का खर्चा होता है, पानी का खर्चा रहता है। तो मैं अलग अलग क्षेत्र में वर्क कर रहा हूँ जिसमें कि हमारा जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। तो इस पे मैंने एक वर्क किया हुआ है जो कि मैंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल मैंने डेवलप किया है। पर जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल, अभी आप बोलेंगे मार्केट में बहुत सारी बाइसिकल अवेलेबल है, पर मेरा फोकस ये है कि लोगों के पास बाइसिकल तो है पर उसको इलेक्ट्रिक में अपन क्यों ना कन्वर्ट करें, जिसके वजह से उनकी एग्जिस्टिंग बाइसिकल है जो ऑलरेडी उन्होंने खर्चा किया है, भले ही वो 10 साल या 15 साल से उन्होंने खर्चा किया बाइसिकल परचेस करके उसको यूज़ किया है, उसी बाइसिकल को अपन कन्वर्ट कर सके। तो मैंने एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल का कन्वर्टेड मॉडल डेवलप किया है। जी, तो पुराने साइकिल को मॉडिफाइड करके आपने इसकी निर्मिति की है, तो ये निर्मिति करते वक्त आपने पूरे रिसर्च करते हुए इसको किया हुआ है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? मैडम, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं जनरली गरीब कम्युनिटी, जो पुअर लोग रहते हैं जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन बहुत नहीं रहता है, या कार नहीं रहती है, व्हीकल नहीं रहता है, टू व्हीलर नहीं रहती, पर जनरली बाइसिकल आज हर एक जन के पास है। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क का ये है कि उनका लाइफ कम्फर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि रूरल सेक्टर में या इंडिया के ग्रामीण विभाग में बहुत सारे लोग ऐसे है कि जो खेती करते हैं और उनको बहुत डे टू डे लाइफ में बहुत अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में वो छोटे छोटे काम जो है वो पैदल चलने के बजाय, हाँ, पैदल करने के बजाय बाइसिकल से करें, और बाइसिकल जनरली सबके पास रहती है, तो उसी बाइसिकल को अपन उनको एफोर्टलेस बनाए, इसलिए मेरा उद्देश्य था कि अपन उसको इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करें। और नेसेसरी कन्वर्शन एक्सेसरीज और जो कैलकुलेशन है वो मैंने मेरा, क्योंकि मेरा उसी में मेरा एक्सपर्ट है तो मैंने किया है, और उसको एक कस्टमाइज बाइसिकल मैंने डेवलप किया है जो कि ऑलमोस्ट उसका कॉस्ट 50-60% कम है मार्केट कॉस्ट से। जी, तो ये जो आपने मॉडिफाइड ई साइकिल बनाई है, तो इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं और ये ऑपरेट किस तरह से होता है? हाँ मैडम, इसमें सबसे बड़ा फंक्शन है, इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। पहली चीज़ है मोटर, उसको बोलते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर। तो जो ब्रशलेस डीसी मोटर है वो बाइसिकल के पिछले चक्के में अपन लगाते हैं और जिसमें एक चेन ड्राइव देते हैं, और उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग साइकिल का जो स्ट्रक्चर है उसको अपन लोग जरा भी चेंज नहीं करते। एग्जिस्टिंग साइकिल जो मैनुअल पैडलिंग में है वो उसी तरह से चलती है, पर एक एडिशनल ड्राइव अपन उसको देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक ड्राइव बोल सकते हैं उसको, वो एक ब्रशलेस डीसी मोटर के द्वारा वो ड्राइव करते हैं। ये पहला कंपोनेंट हुआ। उसका दूसरा कंपोनेंट है बैटरी, जो कि उसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत मार्केट में आसानी से मिलती है वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो वो टेक्नोलॉजी भी अपन उसको लगाते हैं बैटरी को। और उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट है, उसमें एक
कंट्रोलर रहता है, जिसके जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर, और उसमें एक्सीलरेटर, ब्रेक कंट्रोल, अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। स्पीड कंट्रोलर का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि जब अपन एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो वो BLDC मोटर को अलग अलग वोल्टेज देके वो उसका स्पीड कम ज़्यादा करता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोलर का फंक्शन है कि वो अपन जब ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक जब लगाते हैं तो अपना उद्देश्य रहता है कि बाइसिकल रुक जाए, उसका स्पीड कम हो जाए, तो उस वक्त एक्सीलरेटर का जो फंक्शन है वो डिसएंगेज हो जाता है, मतलब वो इंटरलॉक रहता है दोनों का, क्योंकि हम लोग ब्रेक भी दबा रहे हैं और एक्सीलरेटर भी बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो मोटर पे लोड आएगा, मोटर कंफ्यूज हो जाएगी कि अपने को चलना है कि रुकना है, तो उसके वजह से उसमें एक इंटरलॉक रहता है जिससे कि अपन वो मतलब कंट्रोलर में स्टेबल रह सके, मतलब ब्रेक जब लगेगा तो उसका जो स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म है वो डिसएंगेज हो जाएगा। और इसमें सबसे और इम्पॉर्टेंट अलग अलग और एक चीज़ है जो कि बैटरी चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी आप हम लोग देखते हैं कि जनरली रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जलने की एक ये हो जाती है, तो लोगों के मन में काफी डर पैदा हुआ है। तो उसका बेसिक कारण यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो भी अपन बैटरी जो यूज करते हैं, ये बैटरी यानी एक तरह से बॉम्ब रहता है। हमारे कहीं पे भी हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो एक बॉम्ब है, जैसे मोबाइल में भी हम लोग बैटरी यूज करते हैं तो हमारे जेब में हम लोग एक बॉम्ब कैरी कर रहे हैं। पर यह बॉम्ब का फंक्शन क्या है कि ये स्टेबल रहता है, ये बॉम्ब मतलब अनएक्टिवेटेड रहता है, पर जब भी हम लोग इसको चार्जिंग करते हैं तो ये बैटरी जो है ना वो गर्म होती है, और जो अगर इसका टेम्परेचर बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो इट कैन बिकम ए एक्सप्लोजिव आइटम। तो हम लोग इसलिए इसको मतलब बैटरी चार्जिंग मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं BMS, बैटरी चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हर एक पर्सन को पता रहना चाहिए कि बैटरी चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम इट शुड बी एक्सट्रीमली स्टर्डी एंड इट शुड बी स्टेबल एंड रोबस्ट। तो ये एक अपना चार्जर है जो कि ये चीज़ों को ध्यान रखता है, और मैंने भी वो उस पर स्टडी किया है कि बैटरी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ना नहीं चाहिए ताकि बैटरी अपना सेफली चले और उसमें एक्सप्लोजिव या ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो ये अपना उसका फंक्शन है, दीज आर द 4 थिंग्स अपना अवेलेबल इसमें साइकिल में। तो जैसे कि आपने बताया, आपने जैसे पूरा चीज़ें अच्छी स्टेप बाय स्टेप बता दी है, तो किस आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए आपने इस साइकिल को मॉडिफाइड किया हुआ है, हालांकि इसका नागरिकों को कितना फायदा होने वाला है? जी हाँ मैडम, इसमें मैंने है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 3 लोगों को मैंने ध्यान में रखते हुए इस साइकिल बनाई है। पहला लोग है बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जनरली स्कूल में बच्चे आजकल देखा जाता है कि स्कूल में बच्चे ऑटो या हायर्ड व्हीकल से या बस से जाते हैं, पर कुछ बच्चे अगर अपन चाहे तो वो बाइसिकल से जा सकते हैं। तो बाइसिकल में अपन ने सबसे पहला कस्टमर वो रखा है जो कि उनके जो पीछे में वो अपनी बैग रख सकते हैं और पानी की बॉटल वगैरह, और वो बाइसिकल यानी वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल को इस्तेमाल आएंगे और स्कूल में जाने आने के काम में यूज़ करेंगे, और थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो भी करेंगे। बड़े आदमियों को चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और ये चूंकि हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल की वजह से अपन एक आजकल देखते हैं कि लोगों के इसमें आजकल लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते नहीं है, उनको सब मतलब बहुत ही हैप्पी लाइफ की या कंफर्टेबल लाइफ की आदत हो गई है, तो एक तरह से उनको एक एक्सरसाइज का जरिया मिल जाएगा जिसमें जब थक जाएंगे तो वो एक्सीलरेटर यूज करे, चढ़ाव पे एक्सीलरेटर यूज करे, और नॉर्मल जब उनको लगेगा तो पैडलिंग भी कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल पर्सन भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, या नजदीक का काम करना है तो वो क्यों अपनी गाड़ी लेके जाए, वो बाइसिकल से जा सकता है, ये उसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है अपन इसको सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट करें, सीनियर सिटीजन्स भी एक ऑप्टिमम एज के 65 तक वो बाइसिकल चला सकते हैं क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस रहता है, तो वो भी अपना बाइसिकल और एक उनको हेल्थ का मतलब एक्सरसाइज भी हो जाएगा, और जब जरूरत रहा तो बाइसिकल, और छोटे छोटे काम दूध वगैरह लाने का काम जनरली सीनियर सिटीजन्स लोग करते हैं या छोटे छोटे घर के काम, तो उनके लिए भी है। और एक आखिरी वाला जो कस्टमर है वो है अपने रूरल सेक्टर के जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, शेतकरी लोग हैं या फिर जो गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनको अपन उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, वो बहुत ही पुअर या लिमिटेड इनकम वाले लोग रहते हैं, तो उनको छोटे छोटे ऐसी चीज़ों से अगर अपन देंगे तो वो उनके लिए एक बहुत काफ़ी सुखमय लाइफ हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि आपने मॉडिफाइड किया है, तो क्या ये कस्टमाइज्ड भी होता है? जी हाँ मैडम, ये इसमें अपन ने क्या किया है कि अभी मैंने एक मॉडल जो बनाया है इसमें
इस बाइसिकल को 25 किलोमीटर का एक चार्जिंग साइकिल में वो एवरेज देता है। तो अगर अपन लोग नागपुर की बात करें तो नागपुर का अगर अपन एक एवरेज रेडियस देखें तो 25 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा अपना एक एवरेज अपना एरिया नहीं रहता है। तो एक पर्टिकुलर चार्जिंग साइकिल में वो बाइसिकल पूरा उतना काम दूर तक जा सकती है। हालांकि उसकी स्पीड लिमिटेड है स्पीड, क्योंकि 25 किलोमीटर पर आवर इतनी ही स्पीड है, क्योंकि उससे ज़्यादा अपन स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, पर अगर अपन स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि आरटीओ का उसका लिमिट रूल है कि 25 के ऊपर अगर कोई भी व्हीकल की स्पीड जाती है तो उसको लाइसेंस की जरूरत रहती है। तो अपन ने उसकी स्पीड 25 ही रखी है, पर चार्जिंग का जो मैकेनिज्म है या फिर उसका जो बैकअप का जो मैकेनिज्म है, बैकअप में अपन 25 का जो एवरेज है उसको अपन बढ़ा के 50 तक ला सकते हैं। अपन जो उसमें लिथियम आयन नाम की बैटरी यूज की है, तो लिथियम आयन बैटरी के छोटे छोटे सेल रहते हैं, वो सेल को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से अपन उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं ताकि अपने को बैकअप ज्यादा मिले। जी, आपने ये जो मॉडिफाइड साइकिल का किया है, मतलब पुराने साइकिल को मॉडिफाइड करके आपने उसको एक नया रूप दिया हुआ है, तो क्या आपने इसको पेटेंट किया हुआ है या फिर आप करने वाले इन फ्यूचर? जी मैडम, मैंने इसको पेटेंट के लिए ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर लिया है मेरे कॉलेज की तरफ से, और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ कि वो पेटेंट हो जाए ताकि अपन उसको लॉन्च कर सके फ्यूचर में। और अलग दूसरी मेरे को एक अच्छी बात में आपको बतानी है, शेयर करनी है कि इसको हमको गवर्नमेंट ने आईआईटी दिल्ली ने हमको फंडिंग दिया हुआ है 50,000 रुपये का। तो फंडिंग के माध्यम से हम लोग उसको और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये लो कॉस्ट मॉडल लोगों के लिए अवेलेबल रहे और लोगों को नई बाइसिकल परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यही बाइसिकल में पुरानी कोई भी बाइसिकल वो लेके आए तो उसको अपन थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके अच्छे से मॉडिफाई करके मैकेनिज्म वगैरह लगा के उसको कन्वर्ट करके लॉन्च कर सकते हैं। सेविंग ऑफ मनी है। यस, इंस्टेड ऑफ कि आप नई खरीदने जा रहे हो लेकिन पुरानी साइकिल है उसके थोड़ा सा नया फंक्शन ऐड करके उसको आप रूप अच्छा दे सकते हो, साइकिल बना सकते हो। तो भविष्य में इसमें और कौन से फंक्शंस अब ऐड करना चाहोगे ताकि जो सामान्य वर्गीय लोग हैं उनको उसका फायदा वो उठा सके? जी मैडम, एक्चुअली इसमें ना मेरा खुद का, मैंने अभी बताया कि मेरा पीएचडी हुआ है सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, तो मैं सोलर का एनर्जी कंजर्वेशन पे यानी सन की जो एनर्जी है उस पर जितना ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर सकूँ उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा ये प्रयास है कि इसी बाइसिकल के ऊपर एक छोटा सोलर पैनल लगा दिया जाए 60 वैट का, वो भी मेरा कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो 60 वैट का मैं एक पैनल ऊपर में लगाऊंगा और वो साइकिल के ऊपर ही लगा रहेगा। इसमें मुझे थोड़ा डायनेमिक्स देखना पड़ेगा कि बाइसिकल गिर जाएगी तो वो पैनल भी गिरेगा, खराब हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन मेरा चल रहा है कि बाइसिकल गिरनी नहीं चाहिए कोई भी हालत में। तो मैं ऐसा भी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि बाइसिकल के आजू बाजू में 2 व्हील लगा दूँ ताकि उसको ट्राइसिकल या 4 व्हील जैसा लुक आ जाए थोड़ा, और जब भी वो चले जाए तो कोई भी जाएगा तो एक जगह पर रख देगा और उसके ऊपर वो पैनल लगा रहेगा। और दूसरा एक उसमें सेफ्टी का मुझे चीज़ देखना है कि लोग चोरी कर सकते हैं बाइसिकल का वो पैनल ही कोई चोरी करके लेके गया, तो मैं उसमें ये भी पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ कि वो पैनल फोल्डेबल रहे और उसको निकाल के बैग में रख दिया जाए, उसको लॉक कर दिया और वो बाइसिकल रख दिया जाए। नहीं तो ऐसा देखा जाएगा कि बाइसिकल का पैनल ही चोरी हो गया, तो पैनल का वो भी मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ। तो ये 2 एक्सपेरिमेंटेशन मेरे चल रहे हैं, पैनल का एक स्ट्रक्चर डेवलप करना, उसको फोल्डेबल बनाना, उसको लो वेट बनाना क्योंकि वेट कम रहना चाहिए, और उसको फिर अपन डायरेक्टली चलते वक्त ही अगर चार्जिंग हो जाए तो उसमें माइलेज अपना और बढ़ेगा। मतलब अभी जो मेरी 25 का माइलेज दे रही है तो चलते चलते अगर वो मैं धूप में, नागपुर में तो धूप का सवाल ही नहीं है, बहुत सारी धूप ही रहती है नागपुर में, तो हम लोग उसमें चलते चलते वो बाइसिकल चार्ज हो जाएगी तो वो 25 के जगह 40-50 ऐसे लंबे टाइम तक माइलेज दे सकती है। हाँ, जैसे कि वर्ल्ड वाइड जैसे ई साइकिल अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ई साइकिल ले लेते हैं तो ई चार्जिंग स्टेशन भी अपने को शहरों में लगाने पड़ते हैं। आप जो सोलर सिस्टम का बोल रहे हो वो आप भविष्य में करने वाले हो, लेकिन इस तरह का नागपुर में किसी प्रोफेसर ने कभी इन्वेंशन नहीं किया या फिर कोई सोचा नहीं है, आप पहली बार ऐसा करो, लेकिन आपके आस पास के परिसर में भी ऐसे प्रोफेसर होंगे जिन्होंने इसे पहल की होंगी, तो क्या लगता है आपको कि मतलब लोगों के मन में ये ई साइकिल जो है इसका किस तरह से एक विजन वो देख पाएंगे? जी, क्योंकि आगे की जो अगर टेक्नोलॉजी आप देखेंगे ना तो पूरा पेट्रोल व्हीकल आउटडेटेड होने वाला है और ई टेक्नोलॉजी का ही जमाना रहने वाला है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एक कॉस्ट फैक्टर कि लोगों को उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। हालांकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि उसमें कॉस्ट कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ये कंपनी क्या करती है कि बड़े बड़े कुछ भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो उनको प्रॉफिट कमाना रहता तो वो हाई कॉस्ट रख देती है। हालांकि उसमें आइटम्स मैंने
क्लियरली बताया कि एक सिंपल मोटर है, मोटर के अलावा बैटरी है और एक चार्ज कंट्रोलर वाला सिस्टम है। ये सभी चीज़ें मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट आप ले लिए और उसको असेंबल करके ये किया तो उसका कॉस्ट इतना नहीं रहना चाहिए, पर कंपनी को अपना प्रॉफिट कमाना है, उसको मुनाफा कमाना है तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रखती है। तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मेरा जिंदगी का ये है कि प्लस पॉइंट या ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के सामने लाना कि किस चीज़ कॉस्ट कितना है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी चीज़ है ना उसमें कॉस्ट बहुत कम रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, पर चूंकि कंपनी बहुत फायदा उठाना चाहती है इसलिए वो कॉस्ट ज़्यादा रखती है। जो सामान्य लोग हैं उनके बजट में, उनके बजट में यस ये जो है यस और स्पेशली मैंने जो बताया कि पुअर कम्युनिटी और एक मिडल क्लास वाले जो लोग हैं उनके लिए ये अपन मॉडल लॉन्च कर सके ताकि कॉस्ट पे फोकस रहे। तो हर बार मैं कॉस्ट फैक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ मेरे लाइफ में। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशुतोष के आप महान्यूज 7 के स्टूडियो में आए हैं और आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी है ताकि काफ़ी जो लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो स्कूल गोइंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा और जो आम जनता है उसको भी ध्यान में रखते हुए आपने इस को इन्वेंट किया हुआ है। तो जो सर ने बताया है कि उन्होंने एक इन्वेंशन किया है जो पुरानी साइकिल है उसको ही मॉडिफाई करके उन्होंने उसको ई साइकिल का रूप दिया है ताकि वो सिटी के अंदर ही वो चला सके और भविष्य में वो सोलर पैनल लगा के उसको जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे बाय पैडलिंग या फिर बाय एक्सीलेटर वो सोलर पैनल के थ्रू वो चार्ज होता जाएगा तो आप उसका जो जो भी किलोमीटर है वो ज़्यादा आप लॉन्ग डिस्टेंस में कवर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो इन्वेंशन हो रहे हैं बाय प्रोफेसर बाय इंजीनियर डॉक्टर आशुतोष जो काफ़ी अच्छी पहल कर रहे हैं और इन्होंने ये भी बताया कि इनके जैसे इसके अलावा भी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आगे के भी इंटरव्यूज में हम जानेंगे। तब तक आप देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार।